नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपको गॉल ब्लडर पॉलिप्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। गॉल ब्लडर पॉलिप्स के बारे में लोग काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं और ये एक ऐसी कंडीशन है जो मन में कई बार चिंता पैदा करती है। देखिए, पॉलिप का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी ऑर्गन की इंटरनल लाइनिंग से पैदा होने वाला एक छोटी सी गांठ होती है, इसको पॉलिप कहते हैं। पॉलिप एक तरह का शेप को कहते हैं, एक तरह की आकार को कहते हैं। सबसे कॉमन पॉलिप इंटेस्टाइन में होते, बड़ी आंत में पॉलिप्स होते हैं। गॉल ब्लैडर भी एक हॉलो ऑर्गन है और इसकी इंटरनल लाइनिंग में अगर इसके सेल्स ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हो तो इससे एक छोटा सा उभार हो जाता है जिसको गॉल ब्लैडर पॉलिप कहते हैं। गॉल ब्लैडर का पॉलिप एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। पॉपुलेशन में जनरल इसकी प्रिवेलेंस क्या है, खास करके हमारे देश में इसके बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें दो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम किसी भी कारण से अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो कुछ उसमें फाइंडिंग्स होती है जिनको हम इंसिडेंटल फाइंडिंग कहते हैं, और ये इंसिडेंटल फाइंडिंग ऐसी होती है जिसमें ये चीज़ गॉल ब्लैडर में पॉलिप के तौर पर नज़र आती है। जनरली बाई एंड लार्ज गॉल ब्लैडर पॉलिप से कोई भी लक्षण नहीं होते, कोई भी सिम्टम नहीं होता। दूसरी चीज़ है कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो उससे होने वाले दूरगामी परिणामों से निर्धारित होता है। तो गॉल ब्लैडर के पॉलिप से क्या हो सकता है कि अगर देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं बॉडी में जिनको प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कहते हैं, तो गॉल ब्लैडर के पॉलिप से गॉल ब्लैडर का कैंसर होने का खतरा हो सकता है। तो जब भी ये पॉलिप डायग्नोज होता है, ये कैंसर उस समय नहीं बना होता है, तो इसके बारे में आप पैनिक ना हो, आप घबराए ना, क्योंकि एक शब्द ऐसा है कैंसर जो दिमाग में आ जाए तो फिर ये लगता है कि चल अब इसका क्या करेंगे हम। अगर ये पॉलिप 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, 6 महीने के अंतराल पर आप इसका अल्ट्रासाउंड कराएं, और अगर ये पॉलिप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो फिर इसका इलाज ऑपरेशन है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर गॉल ब्लैडर में मल्टीपल पॉलिप्स होते हैं, 1 से ज़्यादा है, तो फिर उसका कोई भी साइज़ हो फिर उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यानी कि सिंगल पॉलिप 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मल्टीपल पॉलिप्स किसी भी साइज़ के। तो अब जो मुख्य सवाल आता है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ऑपरेशन है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन। सिंपल एक ऑपरेशन के ज़रिए ही आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सिर्फ पॉलिप को ही निकाल दें, तो देखिए गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसमें किसी भी तरह के ट्रीटमेंट हो, स्टोन हो, उसका ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर का रिमूवल होता है। मन में कई बार ये सवाल आते हैं कि गॉल ब्लैडर अगर हट गया तो क्या होगा? गॉल ब्लैडर का काम जो लिवर से बाइल सेक्रीट होता है उसको स्टोर करना, और जब हम खाना खाते हैं उसको इंटेस्टाइन में रिलीज़ करना होता है। बाइल लिवर में बन रहा है, पित्त की नली अंदर है, तो वो जनरली आता रहेगा। इस पर कई सारे शोध के विषय हैं कि गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, ये होते हैं, पर ये इस तरह के नहीं है कि हम इसका ऑपरेशन ना कराएं और उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढें। इसका ऐसा इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ये एक सिंपल चीज़ है, कॉमनली की जाने वाली चीज़ है। तो ये एक इसका सॉल्यूशन अगर ज़रूरत है तो फिर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है। छोटे पॉलिप्स के लिए ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार हम अल्ट्रासाउंड रिपीट कराते हैं, कोई गॉल ब्लैडर की दूसरी कंडीशंस होती हैं, जैसे छोटा कोलेस्टेरोसिस बोलते हैं, एडिनोमायोमेटोसिस बोलते हैं, ये चीज़ें गॉल ब्लैडर पॉलिप को मिमिक करती हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो मुख्यतः जो मैंने आपको बातें बताई उसका सारांश ये है कि गॉल ब्लैडर का पॉलिप जनरली एसिम्प्टोमेटिक लोगों में किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कर रहे हों तो दिखता है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत अगर सिंगल 10 मिलीमीटर से छोटा यानी कि 1 सेंटीमीटर छोटा से पॉलिप हो तो कुछ भी नहीं करना है, इसको फॉलोअप ज़रूर इस पर नज़र रखनी है, क्योंकि ये पोटेंशियली इसमें मैलिग्नेंसी का खतरा है। और अगर मल्टीपल पॉलिप्स हों तो भी इस दोनों कंडीशंस में इसके फिर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें कोलेसिस्टेक्टमी लैप्रोस्कोपी के जरिए गॉल ब्लैडर को रिमूव करना है। उम्मीद है कि इससे आपकी शंकाओं का जो आपके मन में सवाल होंगे उसका समाधान हुआ हो। अगर आपको भी ये समस्या है, आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, हॉस्पिटल में आकर के मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।